मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे वीडियो डोर फोन का प्रेजेंटेशन देने के लिए मिल रहा है, और इस खुशी में मैं चाय भी पी रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चाय पीते पीते ना इसको, इस प्रेजेंटेशन को ना बड़े आराम से देखना है, क्योंकि मुझे पता है ये प्रोडक्ट ना मतलब बहुत आसान है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा मतलब ये IQ वाला भी प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं ज़रा। Great. अरे वाह, That's a very wonderful inspiration for me. क्योंकि आज तक जो मैंने सुना है ईस्ट में बंदे मुझे जो भी मिलते हैं, नहीं भाई इसका नहीं होता, ये रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ये तो होता ही नहीं है, एक्सेस कंट्रोल बोलो ये होता नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने कॉम्पिटिशन एनालिसिस किया लास्ट ईयर का, आई डिड कॉम्पिटिशन एनालिसिस विथ ऑलमोस्ट 8 ब्रांड्स। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था यहाँ पे, और उसके बाद पहले 3 महीने खाली कॉम्पिटिशन एनालिसिस किया हर रीजन में, तीसरा हमारा कंपटीशन जो है वो कितने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। सो आई वाज वेरी शॉक्ड विद द फिगर्स। एक्सेस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स है, इट्स जस्ट दैट आर वी प्रमोटिंग द राइट वे, वी आर नॉट पिचिंग ओनली। हमें ऐसा लगता है कि यार कस्टमर नहीं मानेगा, अरे भाई पिच तो करो, ग्रेट फिर करो, वही एक तरीका है। देखो मैंने वही बताया यार, मिट्टी वाला जो आपको बताया, कभी ना कभी यू विल गेट टू नो। सो इस प्रेजेंटेशन में हमें, हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा फास्ट देखेंगे और जल्दी जल्दी में समझेंगे कि क्या है ये। इसमें आप ओवरव्यू देखोगे आज के प्रेजेंटेशन में। दूसरा, रेसिडेंशियल कम्युनिटी के लिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। रेसिडेंशियल कम्युनिटी में हमारे पास स्मॉल अपार्टमेंट सोल्यूशन है एंड बिग अपार्टमेंट सोल्यूशन है रेसिडेंशियल सेगमेंट में, उसके क्या प्रोडक्ट लाइंस हैं। उसके बाद हम लोग विला वाला ऑप्शन देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि विला में हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन हम लेने वाले हैं वो ज़्यादातर आपको मैं प्रोडक्ट का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ये कैसा दिखता है, लॉजिकली ये क्या काम करता है बस। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होंगी उसमें हम टेक्निकल लेवल पर और डेप्थ में जाएंगे। चलिए, प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो हर कैटेगरी में है। जब आप CCTV का प्रेजेंटेशन देख रहे थे, जब गौरंग भाई बता रहा था, तो गौरंग भाई ने भी बताया था हमें पूरे जोश के साथ कि हमारे पास प्रोडक्ट लाइन जो है वो नीचे से स्टार्ट होकर के टॉप तक जाती है। वैसे ही हमारे में भी है, अल्ट्रा लो से बी तक, यानी बिल्डर कम्युनिटी तक। अल्ट्रा लो में हमारे पास आ जाते हैं जिस फैमिली वाला बंदा है, छोटा सा घर है, अपार्टमेंट है उसका, ठीक है, वो यूज़ करना चाहता है, कोई सिंगल घर में लगाना चाहता है, तो उसके लिए वीडियो डोर फोन ये दो कैटेगरीज की हैं, IP विला सिस्टम और एनालॉग विला सिस्टम। इसमें ना, इस प्रोडक्ट में जो आप एनालॉग सिस्टम देख रहे हो नीचे, इस पर्टिकुलर मॉडल को इसको हम लोग बोलते हैं आउटडोर यूनिट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग इनडोर यूनिट। This one is your indoor unit. ये दोनों इंडोर यूनिट है, यानी ये घर के अंदर लगते हैं, और ये जो लगता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटडोर, यानी घर के बाहर लगता है, दरवाजे पे। बंदा आया, कुछ नहीं है यार, वीडियो इंडोर कॉम मतलब क्या होता है, बंदा आया उसने बटन प्रेस किया, आपके घर पे कोई आता है तो बेल मारता है ना, वैसे ही वो आया उसने बेल प्रेस किया। वंस ही प्रेसेस द बेल, दिस बेल हैज गॉट कैमरा इंटीग्रेटेड विद एन माइक्रोफोन एंड स्पीकर, कुछ भी और नहीं है, एक माइक्रोफोन एक स्पीकर लगा, ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। उसने बेल मारा, दैट इनपुट गोज टू द इंडोर मॉनिटर पर ऐसे कॉल आता है, बंदा रिसीव करता है और बात करके उसको दरवाज़ा खोल देता है। कुछ घरों में ईयर लॉक इंटीग्रेट करते हैं वो लोग इस डिवाइस के साथ, जिससे वो डिवाइस से ही खोल सकता है, मतलब वहाँ से ही बैठे बैठे अंदर से मॉनिटर से वो कमांड दे करके वो लॉक को खोल सकता है। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने समझाया, कुछ भी नहीं है, वीडियो इंटरकॉम का मतलब ही ये होता है कि मैं आया
और मैंने वीडियो के फॉर्मेट में इंटरकॉम किया, दैट इज योर वीडियो इंटरकॉम, ठीक है। एनालॉग सीरीज में दो मॉडल है हमारे पास, अभी तीसरा लॉन्च होने वाला है जिसको हम लोग KTS-03 बोलते हैं, KTS-01, KTS-02 आप देख रहे हो स्क्रीन पे नीचे, जो आपके सिंगल वाले अपार्टमेंट में यूज होने वाले सिस्टम है। ये एनालॉग सिस्टम है बेसिकली, कैमरा लग गया आपका, आउटडोर इनडोर लग गया, बेल आया, आपने उठाया, लॉक खोला, एक कैमरा चाहिए तो HD कैमरा जो है आप इस डिवाइस के साथ, सॉरी IP कैमरा जो है वो इसके डिस्प्ले पे एडिशनल दे सकते हैं, खाली डिस्प्ले के लिए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग करने के लिए इफ यू आर यूजिंग दैट SD कार्ड इन बिल्ट मॉडल, योर रिकॉर्डिंग विल हैपन, एल्स यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट ऑन द इनडोर मॉनिटर, ठीक है। अब आ जाइए IP स्मॉल अपार्टमेंट सिस्टम। IP स्मॉल अपार्टमेंट सिस्टम के हिसाब से देखिए, ये हमारा एक आउटडोर कंसोल है, इसको हम लोग लॉबी स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कहाँ पे काम आएगा, स्मॉल अपार्टमेंट में मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में देर आर से फॉर एग्जांपल 60 फ्लैट्स, ठीक है। नीचे एक वॉचमैन बैठता है, अभी आप कोविड टाइम्स में ये नहीं चाहते हो कि मेरा कोई भी बंदा आए और डायरेक्ट ऊपर आ जाए मेरे घर में, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर वो है ना लॉबी स्टेशन, आप उसको दे सकते हो, बंदा आएगा लॉबी स्टेशन पे, वहाँ अपना एक गार्ड भी बैठा रहेगा, जैसे ही आएगा वो बोलेगा मेरे को फ्लैट नंबर 302 में जाना है, उसने वहाँ पे बटन प्रेस किया 302 का, पूछा अरे मैडम सब्जी वाला है भेजू क्या, अगर बंदी ने मना कर दिया तो उसको वहीं से बटा दिया, और अगर उसने बोला ठीक है ऊपर भेजो, तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद वो क्या प्रेस करेगा, आउटडोर यूनिट, आउटडोर कैमरा को प्रेस करेगा, दरवाजे पर आ गया, बंदे को अंदर दिया एंट्री, उससे सब्जी या जो भी चीज़ें है वो होगी, उसके बाद टाटा वाला। तो ये स्मॉल अपार्टमेंट के लिए हो गया, जहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैट्स मैंने खाली 60 बोले, अब मैं बोल रहा हूँ 600 है, तो वहाँ तो और डिफरेंट सिनेरियो बन गया, पूरा मल्टी अपार्टमेंट है, और बड़ा मतलब सोसाइटी है, उस सोसाइटी में से फॉर एग्जांपल 10 या 12 बिल्डिंग्स है या 15 बिल्डिंग्स है, और हर बिल्डिंग में 60-70 फ्लैट है, और सबको मुझे एक ही जगह पे इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, IP बिग अपार्टमेंट सीरीज के प्रोडक्ट्स, समझ में आया, IP बिग अपार्टमेंट सीरीज के प्रोडक्ट्स की, और इनके मॉडल नंबर्स और इनके बेसिक फीचर्स भी मैं फटाफट डिस्कस कर लूँगा आपसे, बट उससे पहले हम लोग इस PPT को पहले देखते हैं। रेजिडेंशियल कम्युनिटी सॉल्यूशन में सबसे पहला मैंने PPT में रखा है मल्टी अपार्टमेंट वाला, रेजिडेंशियल कम्युनिटी का एक सिनेरियो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, मैं जैसा बता रहा था ये मेरा पूरा एक बहुत बड़ा सोसाइटी है, इस सोसाइटी में मेरे पास 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इन बड़ी बिल्डिंगों में मेरे को अपना वीडियो डोर फोन का एक सिनेरियो बना करके देना है, सॉल्यूशन डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पहले रिक्वायरमेंट जनरेट करने की कोशिश करूँगा कि क्या हो सकता है बेस्ट सॉल्यूशन। सोसाइटी का मेन गेट पे मैंने क्या लगाया, फेंस डोर स्टेशन, जिसको हम लोग लॉबी स्टेशन भी मतलब फेंस डोर स्टेशन या लॉबी स्टेशन भी बोलते हैं, वो लगाया मैंने। ये क्या करता है, मास्टर स्टेशन से कम्युनिकेट करता है जो कि कंसर्च पर है, एक वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है वॉचमैन, समझ रहा है। सोसाइटी में अंदर एंटर करने से पहले ही एक लॉबी स्टेशन है, वो बंदा यहाँ पर आने मतलब जैसे ही कोई भी बाहर आया उस सोसाइटी में, अगर उसको अंदर आना है तो वो पहले मास्टर स्टेशन पर कॉल करता है उस वीडियो से। मास्टर स्टेशन पर एक बंदा बैठा हुआ है कि देखो ग्रीन कलर का मस्त शर्ट वर्ट पहन के टाई वाई पहन के, ठीक है, रांची के एक बहुत बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट है, वैसा कंसिडर करिए। और उसको कॉल आया, उसने कॉल उठाया, बात किया, बोला किससे आपको मिलना है, उसने बोला मुझे भाई बी बिल्डिंग 13 के बी विंग में मुझे फ्लैट नंबर 502 में मिलना है। तो वो क्या करेगा, मास्टर स्टेशन पे बैठा हुआ बंदा जो है उसके पास कुछ ऐसा कंसोल है, वो फोन उठाएगा और डायरेक्टली बी विंग के वो पर्टिकुलर फ्लैट को चूज करके उसको कॉल करेगा। ये कॉल कहाँ जाएगी, उसके इंडोर मॉनिटर पे, जो उसके घर में अंदर इंडोर मॉनिटर लगा हुआ है उसके ऊपर उसकी कॉल जाएगी, और जैसे ही कॉल जाएगी, अगर मान लो वो घर पर है तो उसको इंडोर मॉनिटर से कॉल मिल रहा है, अगर वो घर पर नहीं है तो क्या हो रहा है, कॉल जो है वो उसके मोबाइल ऐप पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये बेसिक सॉल्यूशन है। वो क्या सर बीच में कौन सा सेंटर, ये डोर स्टेशन आपका बाहर वाला है, बताया ना आउटडोर यूनिट,
नीचे नीचे में सर, फिर वो क्या नीचे में? ये आपका मैंने बताया था आपको, टेन स्टोर स्टेशन है, मतलब सोसाइटी के बाहर वाले गेट पे लगा हुआ है, इसको लॉबी स्टेशन बोलते हैं। तो पहले यहाँ कॉल जाएगा फिर वहाँ जाएगा? पहले वो कोई भी बंदा आया ना तो वो पहले टेन स्टोर स्टेशन पे आकर के कॉल करता है। ये कॉल सबसे पहले कहाँ जाएगी? मास्टर स्टेशन पे, ठीक है। वहाँ बंदा बैठा हुआ है, उसने पता लगा लिया कि आपको किससे मिलना है, समझ रहे हो? उसने फिर उस पर्टिकुलर मास्टर स्टेशन पे जो डिवाइस है इससे उसने कॉल किया उस फ्लैट के इंडोर मॉनिटर, समझना है। इंडोर मॉनिटर में अगर रिस्पांस उसको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो कॉल जो है ऐप पे ट्रांसफर हो जाती है ऑटोमेटिकली। कॉल वहाँ गया तो ट्रांसफर वहाँ होगा कॉल, ठीक है। तो नीचे में क्या हो, बीच में सेंटर में क्या हो रहा है वो? हाँ सेंटर में, वही तो बता रहा हूँ। अभी ये बंदा से फॉर एग्जाम्पल उसको एक्सेस मिल गया, उसको बोला ठीक है तुम ऊपर आओ, ये आपका कुरियर वाला बंदा है, वो आया आपकी सोसाइटी के अंदर घुसा, आपके बिल्डिंग के नीचे गया और आपके फ्लैट तक पहुंचा। जब आपके फ्लैट पे गया तो आपको पता चलना चाहिए ना कि वो आया, तो वो आया तो पहले ये वाला बटन जाके दबाएगा, तो जैसे ही दबाएगा उधर कॉल जाएगा, आपने कॉल पिकअप किया और आंसर दे दिया, ग्रेट। देखो वीडियो आएगा सर, आउटडोर स्टेशन है ना, वीडियो आएगा। अब ये आउटडोर स्टेशन जो होते हैं और लॉबी स्टेशन जो है हमारे पास, वो हम लोगों ने ना फेशियल रिकॉग्निशन में भी रखा है। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है तो क्या है, कस्टमर्स को आप ज्ञान दे सकते हो कि सर इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ डिवाइस विच नीड्स यू नो टच, यू कैन यूज फेशियल एक्सेस, समझ रहे हो? जो ओनर्स हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, उन सभी का फेस जो है वो वीडियो में सेव हो जाता है। वो बंदा आएगा डायरेक्टली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर घुस गया। जो अदर विजिटर्स हैं वो अपना पूरा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आते हैं। अरे भाई इतनी आवाज़ क्यों आ रही है यार पीछे, सेशन खत्म नहीं हुआ है भाई, बैठ जाए यार, भाई बैठ जाए यार, प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ, थक तू जा रहा है यार भाई, हैं? ये तो अजीब सीनारी है यार, ऐसा मत करो यार। तो इससे ना मतलब दिस एक्चुअली ब्रेक्स योर हार्ट। आप प्रेजेंटेशन देके देखो, अगर आपके बंदे अगर आपको नहीं सुन रहे होते हैं ना, दैट्स अ पेन, यू नो, डजंट लुक गुड। बस हम भी तो मेहनत ही करते हैं ना आपके साथ, है ना, दैट्स राइट। प्लीज प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है, ध्यान से सुनिए, आप ही के काम की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपके काम की चीज़ बता रहा हूँ, कोई अपने काम की नहीं बता रहा हूँ। हाँ वैसे मेरा भी काम है ठीक है। रुक जाइए आप थोड़े देर, मुझे रेस्ट करने दीजिए, रुक जाइए रुक जाइए, आ रहे हैं आप। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम देते ही हैं ना लास्ट में, रुक जाइए जरा दो मिनट, मुझे भी कुछ कुछ बोल लेने दीजिए, थोड़ा शांत भी रहने दीजिए, रुकिए जरा, ठीक है। तो इसमें किसी को आई डोंट थिंक की डाउट है, ये जो मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की कि बंदा आएगा वो सोसाइटी के बाहर ही, उसके पास फेंस डोर स्टेशन है, उससे कॉल किया, मास्टर स्टेशन पे कॉल किया, मास्टर स्टेशन से बंदे ने उस पर्टिकुलर फ्लैट के बंदी को कॉल करके, बंदे को फोन करके पूछ लिया, उसको अलाउ किया, वो गया, उसने आउटडोर दबाया और वो इंडोर हो गया, उसका एक्सेस हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कम्युनिटी इंटरकॉम सिस्टम का आर्किटेक्चर है, बिग कम्युनिटी का, बड़े सोसाइटीज का, जहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा 2000 से ज़्यादा का स्केलेबिलिटी है, इंडोर प्लस आउटडोर प्लस VTH का, VTH का मतलब लॉबी स्टेशन का, इंडोर आउटडोर और लॉबी मिला के 2000 के ऊपर अगर जा रहा है, वहाँ तक का सिस्टम मेरा बिग कम्युनिटी सिस्टम में आता है। उसका सोल्यूशन आर्किटेक्चर कैसा है ध्यान से देख लीजिए, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, फटाफट ख़त्म करेंगे इसको। फेंस जो VTO है, मैंने आपको बताया था फेंस पे VTO लगा हुआ है, फेंस VTO इज कनेक्टेड टू द NVR, इट्स नॉट एन NVR ब्रो, इट्स अ स्विच, ठीक है। कौन बोला NVR? तो NVR का फोटो तो लग रहा है, वो NVR का फोटो नहीं है मेरे भाई, सब कुछ NVR में होता, स्विच भी होता है, तो स्विच पे कनेक्टेड है, ठीक है, विच इज अगेन कनेक्टेड टू अ लॉबी VTO। अगर बिल्डिंग में मान लीजिए उस पर्टिकुलर बी विंग में एक नीचे लगाना चाहते हो तो एक और लगा सकते हो, या ए विंग में नीचे लगाना चाहते हो, वहाँ पर एडिशनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये लॉबी स्टेशन इज कनेक्टेड टू द मास्टर स्टेशन, ये मास्टर स्टेशन है जहाँ पे सिक्योरिटी रूम में आपका गार्ड बैठा हो, समझ रहा है? तो ये आर्किटेक्चर है, ये आपके सारे एक ही स्विच से कनेक्टेड है,
अब आपका ये पूरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट्स के ऊपर आपका इंडोर और आउटडोर मॉनिटर्स लगा हुआ है। अब रिक्वायरमेंट कैसी हो सकती है कस्टमर की, अगर आप वीओक्यू बढ़ाना चाहते हो, अदानी वगैरह के प्रोजेक्ट्स जो हम लोग कर रहे हैं मुंबई में, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं वीडियो डोर फोन के, बहुत बड़े के मतलब बहुत बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को एक ही इंडोर यूनिट नहीं चाहिए जो दरवाजे पे हो, मेरे को मेरे घर पे मास्टर बेडरूम में एक इंडोर वीडियो दे दो, ताकि अगर मैं रात को कोई आता है या इवनिंग में लेट नाइट कोई आता है तो मेरे को उठ के रूम तक वहां नहीं जाना पड़े, मैं डायरेक्टली अपने बेड के सामने से बात करूं। तो एक सब वीडियो भी बना सकते हो, मतलब एक के साथ आप दो या तीन मॉनिटर भी लिंक कर सकते हो, दैट फीचर इज ऑल्सो। बिग कम्युनिटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेसिकली, एक आउटडोर हो गया दरवाजे पे लग गया, एक इंडोर हो गया, ये दोनों कनेक्टेड हो गए आपके लॉबी स्टेशन के साथ, एक लॉबी वाला स्टेशन है उसके साथ कनेक्टेड हो गए, और ये सारे आपने एक नेटवर्क में थ्रू स्विच आपने उनको इंटरनेट पे दिया, उनको ब्रांड भी दिया। वंस यू गिव दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग टू गेट एक्सेस ऑन योर मोबाइल फोन ऑल्सो। इंडिविजुअल फ्लैट के जो भी आपके इंडोर और आउटडोर मॉनिटर्स है वो सबका एक्सेस आप अपने DSS मोबाइल ऐप पे कर, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप घर पे नहीं हो आपको कॉल आ जाएगा, दैट्स द थिंग। किसी को डाउट हो रहा है, चलिए नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पूछिएगा भी मतलब ज़्यादा, तो मैं भी थक रहा हूँ, ठीक है ना है यार, कूलिंग थोड़ा सही बात है यार, गर्मी हो गई है पूरी है। चलो कौन है भाई AC वाला, देख ले यार भाई, ठीक है। ये आपका स्मॉल अपार्टमेंट का, मैंने आपको बताया था 60 फ्लैट है बंदे की मतलब बिल्डिंग में, तो एक ही आपका लॉबी स्टेशन लग गया, उसके साथ आपने स्विच पे सारे आपके वीडियो और VTH एक साथ कनेक्ट किए, और अगर उसको आपने पब्लिक नेट दिया तो आप उसको मोबाइल ऐप पर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है कि 210 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 210 से ऊपर होगा तो आपका सोल्यूशन अलग बनेगा। दैट्स इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये आपका टू वायर इंटरकॉम सोल्यूशन है, एनालॉग और IP POE पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना। हमारे पास 2 वायर और 4 वायर दोनों है, बट करेंटली हम लोग 2 वायर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, विल स्किप दिस, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हमारे पास जो कैपेसिटी है वो अप टू 5000 रूम्स की है मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था कि 2000 का बोस स्केलेबिलिटी है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं मैक्सिमम 5000 रूम तक कर सकते हैं हम लोग, यानी 5000 यूनिट्स तक। उसके अलावा अब मैंने कुछ कंपटीशन प्रोडक्ट मतलब कंपटीशन का व्यू और मेरे व्यू में कुछ अंतर दिखाने की कोशिश की है, लड़कियां वही हैं लेकिन मेरे वाले में ज़्यादा सुंदर दिख रही है थोड़ी ज़्यादा भी है भी ना नंबर भी ज़्यादा हाँ लड़का गायब हो गया है। देखो हर वही है मैं ना यही दिखाता है कि बस मेरा ही यार मेरा ही, तो वही बात है मेरा ही है मस्त है, और मेरी बंदी भी बहुत अच्छी है देखो यार किसी को डाउट हो रहा है, हमारे वाले में थोड़ा वाइड व्यू है, मैं ये दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि देखो बच्चा इसलिए कट गया क्योंकि उनका वाइड व्यू नहीं था, ये है मुद्दे की बात। खैर अच्छी बुरी तो सब होती है लेकिन ये कायदा है, समझ गया ना। अब अंकल आंटी कौन है बगल में, ये क्वेश्चन जबरदस्त है भाई, वाह वाह मेरे लाल, कौन था भाई ये बंदा, अंकल आंटी वाला कौन है भाई, बताइए तो पूछे कौन है सर बताइए कौन था, कौन है भाई ये अंकल आंटी किससे हुआ, यहाँ पूछा ना, आ जा रहा वापस आ भाई तू वापस आ, ब्राइट कर लीजिए आप इस स्लाइड से क्या समझ रहे हैं, बेस्ट ऑडियो से बताइए सब, बेस्ट ऑडियो से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने बोला अंकल आंटी मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ बताइए, बैठ बैठ, तो कि गिरा देगा, खत्म करना है।
आंसर बता रहे हो और उल्टा मुझे धमकी भी दे रहा है सर बताने जा रहे हैं आपका आंसर, आपने बोला वो आपकी बंदी है, ये कौन है बताओ। ठीक है हम कुछ भी मान लेते हैं यार, दादा दादी होंगे हमारे, ठीक है। बट ये देखो हम लोग क्या यहाँ पे समझाना चाहते हैं स्लाइड में कि दादा दादी भी बहुत अच्छे से ऑडियो सुन सकते हैं भले ही वो कितने बूढ़े हों। तो ये बोलने का मतलब है कि आवर प्रोडक्ट बेसिकली दवा प्रोडक्ट्स हैव वंडरफुल ऑडियो क्वालिटी। ठीक है सो दिस इज द थिंग वी विल कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है। रिमोट अनलॉक का ऑप्शन है मैंने आपको जैसा बताया था, मोबाइल फोन पे कॉल आ रहा है अगर आप घर पे नहीं हो, आपके वीडियो को पहले उसने कॉल किया वीडीएच को इंडोर स्टेशन को, और अगर आप घर पे नहीं हो तो कॉल ट्रांसफर होगी आपकी, तो आप वहीं से भी मान लीजिए आपके घर का ही कोई आदमी है आपके गेस्ट आज चचा आने वाले हैं घर में, तो आपने वहीं से लॉक खोल दिया अपना एंड लोकेशन से। नेक्स्ट है वीडियो इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि मैं इसके साथ आईपी कैमरास को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैक्सिमम 32 कैन बी इंटीग्रेटेड आईपी कैमरास। और लास्ट वाला है इंटरकॉम इन एनी डिवाइसेस, मतलब एग्जिस्टिंग अगर इंटरकॉम डिवाइसेस पहले से पड़े हुए तो कुछ के साथ इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। भाई थोड़ा आवाज कम कर ले यार, प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुआ है। ये सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन टूल है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये आपका फेवरेट स्लाइड है, कॉन्फ़िगरेशन टूल मैं इसलिए भी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डीप, आई जस्ट वांट टू टेल कि ये कॉन्फ़िगरेबल है डीएसएस पे। अब आ जाइए, ये कुछ हमारे प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हम लोगों ने लॉबी के लिए यूज किया है, वो आपका अपार्टमेंट डोर स्टेशन। लॉबी के लिए दो नए मॉडल जहाँ जहाँ पे न्यू और स्टार मार्क किया है ना, ये सब हम लोग इस साल प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। ये जो स्टार मार्क प्रोडक्ट्स हैं इनको ध्यान से खाली मॉडल्स देख लीजिए, फीचर्स आपको मैंने बता दिए हैं बेसिकली कि इनका पर्पस क्या है, खाली मॉडल्स देख लीजिए, कुछ अगर स्पेशल होगा तो मैं बताते जाऊँगा। पहले वाले दोनों डिवाइसेस थोड़े स्पेशल है, इनको समझ लीजिए, ये फेशियल रिकॉग्निशन वीडियोज है, ये नया टेक्नोलॉजी है, ये अभी यूएसपी है, दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के पास नहीं है। तो दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक होता है जो अपॉर्चुनिटी समझता है और एक होता है जो अपॉर्चुनिटी इग्नोर मारता है। जो अपॉर्चुनिटी इग्नोर मारने वाले पार्टनर्स हैं फिर वो उनको बिजनेस भी इग्नोर मारने लग जाता है। आप अपॉर्चुनिटी को समझो कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिशन है आपके पास, अगर प्रोडक्ट पे ज़्यादा नहीं है तो आप वैसे प्रोडक्ट को पिच करना स्टार्ट कर दो जो स्पेशल हो, यूएसपी हो, ये दोनों उन्हीं में से एक है। उन पे क्लियर मेंशन किया हुआ है 10 इंच का है और एक 8 इंच का है, दोनों में 2 मेगापिक्सल कैमरा रेजोल्यूशन है और फेस यानी फेस रिकॉग्नाइज करके डोर लॉक अनलॉक करने वाला डिवाइस है। 100,000 फेस और फिंगरप्रिंट 10,000 ये ले सकता है, दूसरा वाला 20,000 ले सकता है और 10,000 फिंगरप्रिंट ले सकता है, दैट्स इट। आई होप इसके फीचर्स वहां पे लिखे हुए भी हैं, कुछ ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात है ही नहीं। ये आपका सेकंड कंफर्म डोर स्टेशन है जो मैंने आपको बताया था, आउटडोर आपके दरवाजे पे जो वीडियो लगा है वो उसके टाइप से ये दो मॉडल जो है पर्टिकुलरली ये वाला और ये स्टार मार्क वाला, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, ये एंड्रॉइड बेस्ड है, मॉनिटर जो है वो भी एंड्रॉइड बेस्ड है 8.1 इंचेस का। अब इसमें स्टैंडर्ड पीओई है, स्टैंडर्ड पीओई मतलब ये किसी भी थर्ड पार्टी के पीओई पे भी चलेगा, जहां पर खाली पीओई मेंशन किया रहेगा जिस मॉडल में उसमें खाली दवा का पीओई चलेगा, जहां पे स्टैंडर्ड पीओई मेंशन है वहां पर थर्ड पार्टी पीओई भी चलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये न्यू प्रोडक्ट्स हैं, मैंने दो आपको पहले डिस्कस कर लिया, बीच वाला देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, 8 इंच का जो फेशियल रिकॉग्निशन है डिवाइस वो हमारे पास है, इसके साथ हम लोग रिस्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आएंगे। विला इंटरकॉम देख लेते हैं, विला में क्या रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक सीसीटीवी का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आता है, एक वीडियो होता है, एक वीडीएच होता है और कुछ अलार्म के सेंसर एक आध कनेक्ट करने होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था छोटा घर होगा उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, एक मुझे वीडियो लगा दो, एक वीडीएच लगा दो और उसके साथ एक कैमरा लगा दो। तो ये विला वाले सॉल्यूशन का है और विला सॉल्यूशन में देखो वहाँ पे 20 डोर और 10 मॉनिटर, बस कुछ भी नहीं है, आपके वीडियो वीडीएच कनेक्टेड है इस पे, क्या बोलते हैं एक दूसरे से, मेन वीडीएच और आपका जो सब वीडीएच है ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से और आपने इसको आईपी दिया हुआ है स्विच के थ्रू। अगर आपका
घर पे आप हो तो आपको उस पर कॉल आएगा, इंडोर में अगर नहीं हो तो आपको मोबाइल ऐप पे कॉल आएगा। ये वाईफाई बेस्ड भी हो सकते हैं, पहले वाले मॉडल्स में आपको केबलिंग करनी पड़ती, इसमें केबलिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली कॉन्फिगर हो जाएगा। रिमोट इंटरकॉम, रिमोट डोर रिलीज, ये ऑप्शन है। रिमोट इंटरकॉम एंड रिमोट डोर रिलीज मैंने आपको बताया, फोन से ही आप EM लॉक या जो भी लॉक आपने कनेक्ट किए हुए हैं, बोल्ट लॉक, टाइगर लॉक, जो भी इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, उसको फोन से ही खोल सकते हो। अगर आपके पास कॉल आया, आपको पता चला कि आपके चचा ही आए हुए हैं, तो ये IP विला डोर स्टेशन के कुछ स्टार मार्क प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। आउटडोर मॉनिटर मतलब ये है अपना मॉड्यूल है, IP मॉनिटर में मैंने इन सब के बारे में डिस्कस किया, जिसमें भी आपको वाईफाई वाले सिंबल दिख रहे हैं वाईफाई बेस्ड हैं, जिनमें नहीं दिख रहा है वो वाईफाई बेस्ड नहीं है। कुछ में 10 इंच का स्क्रीन है, किसी में 8 इंच का स्क्रीन है, कुछ में एंड्रॉयड है, इसमें नहीं है, तो वो आपको मॉडल आपकी रिक्वायरमेंट जब आती है आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ये IP विला किट है, हम लोग किट के फॉर्म में भी बेचते हैं, आप अलग अलग से भी ले सकते हो, इंडोर मॉनिटर, आउटडोर मॉनिटर, और चाहिए तो किट के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो ये IP विला किट है, ठीक है, IP का किट है हमारे पास, जिसमें आपको एक आउटडोर एक इंडोर, तीन मॉडल्स हैं, तीनों मॉडल्स में तीनों ही स्टार मार्क हैं। और पहले वाले मॉडल में आपको क्या फीचर मिलता है, ये आपका 7 इंच का स्क्रीन है, कैपेसिटिव स्क्रीन है, आपको मोबाइल ऐप का मिलता है, DMSS और POE बेस्ड है। देखो वहाँ पर खाली POE लिखा है, खाली POE लिखा है, मतलब ये तीनों के तीनों डिवाइसेस खाली दबा के POE पे ही चलेंगे। और ये वाले मॉडल में डिफरेंस क्या है कि ये वाईफाई बेस्ड है, देखो उधर वाईफाई का सिंबल बना हुआ है, दैट्स इट। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एनालॉग कैटेगरी में हमारे पास दो मॉडल्स में दिखा रहा था, ये तीसरा मॉडल KTA 03 मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, अगले महीने आ जाएगा हमारे पास मोस्टली। तो इसमें और वो दोनों मॉडल्स में क्या फर्क है कि अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को SD कार्ड में स्क्रीनशॉट्स चाहिए या रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो पॉसिबली हम लोग दे सकते हैं। ये कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर आउटडोर यूनिट को स्टैंड करने के लिए चाहिए होते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे होते हो तो आपके कस्टमर के नीड के हिसाब से आपको पीछे वाला डब्बा भी लेना पड़ता है अलग से, अगर आपने नहीं खरीदा तो वो हवा में आपका झूलता रहेगा, वीडियो आप नहीं लगा पाओगे। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन टूल, ये आपका अदर एक्सेसरीज में आता है, आप इसको भी देख सकते हैं ध्यान से। मैं ये लूंगा नहीं, SIP इस मीटिंग का एजेंडा नहीं है, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन गाइस यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। एंड आई रियली वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर यू नो एंड आई होप कि वी हैव सच सेशंस इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड प्लीज बी इन टच गाइज। आपको कुछ भी ऐसा सपोर्ट लगता है नॉन CCTV प्रोडक्ट्स के लिए तो आप ऑलरेडी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जानते हैं, मिलिन जी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। इफ यू विश यू कैन रीच मी एज वेल, आई विल हेल्प यू ऑल। थैंक्स अटन गाइज, थैंक्स अटन, थैंक यू वेरी मच।